मिट्टी की सेवा डेरे के इतिहास में एक बहुत ही यादगार सेवा रही है। इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी, जब अलग अलग बैकग्राउंड से आए सेवादारों ने एकजुट होकर सिर पर मिट्टी की टोकरियां उठाईं और गहरी खाइयों को भरने का कार्य शुरू किया। मिट्टी की सेवा का मकसद जमीन को समतल करना था, ताकि लंगर, सत्संग शेड तथा बाकी सुविधाओं के लिए जगह बनाई जा सके। लगभग हर वो व्यक्ति जो डेरे में आता, प्रेम प्यार से की जाने वाली इस सेवा का हिस्सा बनना चाहता था। कई बार तो लाखों की तादाद में सेवादार इस सेवा में शामिल होते थे। आज करीब 60 साल के बाद भी हम आपसी सहयोग से भरे उस जोशीले माहौल को याद करते हैं, जिसने इस सेवा को यादगार बना दिया है। I mean, in Hazur's time, the thing that everyone remembers is Mitti Seva, which is sort of the classic case, you know, of sort of the best symbol of Seva, generally, where you're carrying dirt on your head and you're carrying with everyone else, you're getting equally dirty, and the only difference is some are stronger physically and some are weaker. But you're all doing it under Master's watchful eyes. He's up on a slight height, watching everyone, and the sun is going down. It's glorious. You know, this is the kind of thing we experienced under Hazur. एक बार की बात है, जब मैं भोजन भंडार में था, तो जैसे मिट्टी की सेवा में जाते हैं सभी लोग, जब तक महाराज जी बैठे रहते थे ना, तो पता नहीं लगता था कि टोकरी भार है कि नहीं है। जब ही उठ गए तो अगर हमारे को 10 फुट भी आगे जाना है तो वो भारी लगते थे, और जब तक वो बैठे रहे तो पता ही नहीं चलता था। तो इसको आप क्या समझें, वो आप जाने या वो मालिक जाने। तो सेवा वही जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते। जो कराने वाला है वही जानते हैं।